सभी दोस्तों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ER अखिलेश क्लासेस फॉर यू में। आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर है उसका सोल्यूशन डाल रहा हूँ मैं, आप इसको आराम से देख लें, ज़रूरत पड़े तो स्क्रीनशॉट ले लें। डिस्क्रिप्शन में इसके PDF की लिंक मैं दे दूँगा, वहाँ से PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं। कई बच्चों की शिकायत होती है कि सर PDF डाउनलोड नहीं होता, तो उसको डाउनलोड करने का बहुत ही आसान तरीका है। बस आप लिंक पे क्लिक करिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पे क्लिक करने के बाद में आप थोड़ा सा वेट करिए, आपका वेब ब्राउज़र खुलेगा। वेब ब्राउज़र पे जाने के बाद में आप देखेंगे, थोड़ी देर वेट करने पे एक कैप्चा बॉक्स आएगा 2-3 सेकंड में। उस कैप्चा बॉक्स पे आप एक बार क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में कोई दूसरा पॉपअप विंडो नहीं खुलना चाहिए, अगर खुलता है तो उसको बंद कर दें। उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाइए, वहाँ पर ब्लू कलर में कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करिए। फिर आप वेट करिए, आपका पेज चेंज होगा, पेज वही रहेगा, वेबसाइट वही रहेगी, बस पेज चेंज होगा। कोई पॉपअप विंडो खुलता है तो उसको बंद कर दें, और आप देखेंगे वहाँ पर आपकी उल्टी काउंटिंग शुरू हो गई है 10 से लेके 0 तक। जब वो 0 तक आ जाए काउंटिंग, वो गिनती जब 0 तक पहुँचे, उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाइए, वहाँ पर आप देखेंगे ग्रीन कलर के बॉक्स में लिखा होगा गेट लिंक। उस गेट लिंक के बॉक्स पे क्लिक करिए, आपका PDF आपके सामने होगा। कोई भी पॉपअप विंडो खुलता है उसको बंद कर दीजिए। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा PDF कैसे डाउनलोड करते हैं। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आप केवल एक मेरा सजेशन मानिए, यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड दोनों के पेपर्स मैंने डाल रखे हैं, उनको देखिए, और उसमें केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, उनको आप समझ लीजिए और उनको सॉल्व करिए। वो आपके बहुत ही काम आने वाले हैं, मेरी बात का विश्वास करिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है अगर आप उन पेपर्स को भी पढ़ते हैं तो। इसके अलावा आपके पास कोई ज़्यादा बड़ा आपको ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है, केवल आप उन पेपर्स को देखिए, और आपके पास जो मैंने पेपर्स डाल रखे हैं हाफ ईयरली के, उनको भी देखिए, क्योंकि आपके हाफ ईयरली के पेपर्स अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग होते हैं। सिलेबस सेम रहता है, केवल डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग पेपर बनते हैं, तो उसमें क्या होगा, आपका सारा का सारा सिलेबस कवर हो जाता है अगर उन पेपर्स को आप देख लेते हैं तो। ये नहीं कि अगर आप जोधपुर में हैं तो जोधपुर का ही पेपर पढ़ें, इसके अलावा अगर आप पाली का पेपर पढ़ लेते हैं, जयपुर का पेपर पढ़ लेते हैं, अजमेर का या कोटा का, बूंदी का, भरतपुर का, किसी का भी पेपर पढ़ते हैं, तो इन सभी का पेपर अगर आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और आप बहुत ही आसानी से अपने मार्क्स को गेन करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली कोई भी वीडियोस जो हैं मैं डालूँ उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएँ। बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। मेरे चैनल पे सारे हाफ ईयरली पेपर और ईयरली पेपर अवेलेबल है। आपके मॉडल पेपर भी अभी अवेलेबल नहीं हो पाए हैं, जैसे ही होते हैं मैं उनको डाल दूंगा, तो आपको उससे भी ज़्यादातर हेल्प मिल जाएगी। मेरे चैनल पे हमेशा बने रहें, और कंटिन्यू जो जो पेपर मैं डाल रहा हूँ आपके लिए उसको ज़रूर देखें, और सावधानी ये